नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दादरे में कुछ नया बोल लेके आया हूँ। इसको हम मॉडर्न दादरा भी कह सकते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले दो वीडियोस चढ़ाए थे जिसमें मैंने मॉडर्न कहरवा के नाम से डाले थे, उसी संदर्भ में मैंने दादरा आपके सामने लेके आया हूँ, जो एक मॉडर्न स्टाइल दादरा है। जैसे पहले धा धीना धा तीना हम लोगों सीखते हैं, या प्राचीन प्रचलित जो बोल है हमारा धा धीना धा तीना, ये सब दूर चलता है। वैसे ही एक जो नया बोल आजकल संगत में उपयोग में लाया जाता है वो बोल है धा तीन तीन ता धिन धिन। ये मैंने आपको कई बार एक छोटे से प्रयोग के रूप में कहीं ना कहीं वीडियोस में मैंने पहले भी दादरे में बताया हुआ है। आज मैं स्पेशली इसके लिए आपका एक लेसन लेके आया हूँ। तो पहले हम सीखते हैं जो हमारा बेस ठेका है धा तीन तीन ता धिन धिन कैसे बजेगा। धा तीन तीन ता धिन धिन धा तीन तीन ता धिन धिन धा बहुत सरल है, आप देखें कैसे बजेगा। धा तीन 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 जो हमारा इस किनार पे मैदान पे बजेगा, मैदान पे हमें से गूंज के साथ तीन बजाना है। धा तीन तीन जो तीसरा बोल है हमारा तीन, उस पे हमको थाप लेनी है। धा तीन तीन ता धिन धिन धा तीन तीन ता धिन धिन धा बेहद सरल बोल है, इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है। इसी के कुछ वेरिएशन मैं आपको आज दूंगा। तो अगला जो वेरिएशन इसका कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको सन बजा के बताता हूँ, फिर इसका स्लो मोशन बताऊँगा। धा तीन तीन ताता धिन धिन, मतलब जो चौथी मात्रा पे ता सिंगल यानी एक बार बज रहा था, वहीं हमने इसको उसी मात्रा में दो बार बजाया। धा तीन तीन ताता धिन धिन, ये बोल सरल है, देखिए कैसे बजेगा। धा तीन तीन ताता धिन धिन धा तीन तीन ताता धिन धिन। तो ये एक छोटा सा प्रकार है इसका दूसरा। ऐसे ही आप तीसरा प्रकार भी आप देखिए मैं किस प्रकार से बजाता हूँ, आप उसको समझिएगा। हमारा धाता तीन तीन ताता धिन धिन, बेहद सरल बोल है। जहां हम पहली मात्रा में सिर्फ धा बजा रहे थे, हमने वहां पर धाता बजाया, मतलब एक ही मात्रा में दो शब्द बजाए। अब ये देखिए कैसे बजेगा। धाता धा और ता, ये जो हमारा एक मात्रा में बजेगा पहली मात्रा में। धाता तीन तीन ताता धिन धिन धाता तीन ताता धिन धिन धाता तीन तीन ताता धिन धिन, कुछ इस प्रकार से इसके वेरिएशन होते हैं। एक बात समझने की होती है इस खास करके पर्टिकुलरली इस बोल के अंदर, यदि इस बोल में आपको एक प्रोफेशनलिटी लानी है यदि इस बोल को बजाने में, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मेरी जो रेगुलर क्लासेस लेता हूँ,
उसमें जो विद्यार्थी मेरे साथ बजाते हैं, जो मेरे से सीखते हैं, उनसे कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जो मैं एक पिक पॉइंट देना चाहता हूं सबको। मैं स्पेशली सिर्फ मेरी क्लासेस में देता हूं, वो सब आपको भी आज मैं बता रहा हूं कि हमारे जो बोल को बजाने में प्रोफेशनलिटी कैसे आती है। बोल वही होता है, वजन वही होता है, मात्राएं वही होती है, पर बजाने वाले की में फ़र्क आ जाता है। तो वो जो फ़र्क पैदा होता है वो एक अनुभव से आता है। वो अनुभव का मैं आपको लाभ दे रहा हूं। जैसे आपने धा तिन तिन ता धिन धिन बजाया, तो इसमें वॉल्यूम लेवल का एक काम होता है। जैसे एक जैसे मान लीजिए पहली मात्रा और चौथी मात्रा, पहली मात्रा ताली है, चौथी मात्रा खाली है, तो इन दो पे विशेष जोर होना चाहिए। यदि आप बजा रहे हैं तो पहली मात्रा जो धा है और चौथी मात्रा जो ता है, उसके ऊपर आपको विशेष जोर देना है। मतलब उसका वॉल्यूम लेवल लगभग 100% हमें रखना है, और उसके बाद जो बोल होते हैं उनको हमको थोड़ा उनसे डाउन रखना है। ऐसा यदि आप बजाते हैं तो एक प्रोफेशनलिटी आती है, बजाने में सुंदरता आती है। जब आप किसी के साथ संगत करते हैं तो उसको बहुत ही सहायता मिलती है। तो ऐसी कुछ टिप्स होती हैं जो आपको धारण करनी होती हैं तबला बजाते समय। ये टिप्स आपको कोई भी अपने वादन में नहीं सिखाएगा, ना ही आपको कोई इंस्टीट्यूट में बताएगा कि कैसे किस जगह धीरे बजाना है, किस जगह तेज बजाना है, कहाँ जल्दी लेना है, कहाँ जल्दी छोड़ना है, कहाँ कितना रुकना है। ये सब बातें जो होती है ये बहुत गुप्त बातें होती हैं। जो मैंने आज एक टिप्स दी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो पहली मात्रा और चौथी मात्रा है उन्हें हमें थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल अप रख के, बाकी जो तीन तीन और धिन धिन है, या इसकी जगह हम दूसरे जो बोल वापर रहे हैं, उनका वॉल्यूम लेवल इनसे डाउन होना चाहिए। ये रहेगा तो बजाने में एक स्पष्टता आएगी और एक सुंदरता लेके वो बोल आपको दिखेगा। तो मैंने आपको तीन अभी मैंने आपको वेरिएशन बताए। चौथा वेरिएशन कुछ इस प्रकार से मैं आपको बजा करके बताता हूँ, फिर उसका आपको विस्तार समझाऊँगा। धा तीन तीन ता तीन तीन सरल है। आप यदि इस पर ध्यान देंगे तो आपको बजाने में आसानी होगी। बोले हमारा धा तिन तिन ता धीना तिट। तो ये बोल जो है इसमें हमने जो दूसरे विभाग में कुछ बोल बदल दिए हैं, धीना तिट करके कुछ ऐसा बोल जोड़ा है। तो समझिए कैसे बजेगा ये धा तिन तिन। वही तीसरी मात्रा पे थाप हमको लेनी है। थाप का बहुत महत्व है। किसी अगले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि थाप को यदि अलग अलग जगह पर लगाई जाए तो बोल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बोल की खूबसूरती कहीं बार बदसूरती में बदल जाती है, कहीं बार बोल और भी अच्छा बन जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको समझना होता है। यदि आप थाप के महत्व को नहीं समझे तो आपका वादन ख़राब हो जाएगा। कहीं भी मेरे जहाँ तक मेरा जो अनुभव रहा है सिखाने वालों का, तो कहीं भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। बस जैसा बोले तीन पे थाप लेना है तो उसने बजाता जा रहा है, भले तीन कहीं पे भी आ रहा है उन्हें थाप लेनी ही लेनी है। तो बोल में जो बात आना चाहिए, दादरे वाली बात दादरे में आना चाहिए। यदि कहरू में तीन गलत जगह बज रहा है और गलत जगह आपने थाप ले ली, तो सब जो भी बोल बजाया वो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, चूँकि अभी दादरे की बात है और जिस बोल को मैंने बजा रहा हूँ वो आपको सिखाना है। तो कैसे बजेगा देखिए आप। धा तीन तीन ता धीना तिट। अब चूंकि ध्यान दीजिए तिट कैसा बज रहा है हमारा, तिट फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर से ट, ती ट, कुछ इस प्रकार से। धा तीन तीन ता धीना, धीना जो हमारा बजेगा धी यानी घे और तीन को मिला के
धीना ऐसा बजेगा, धीना टीट। अब ये धीना हमारी पांचवी मात्रा में बजेगा और छठी मात्रा में टीट बजेगा। देखिए कैसे बजेगा, धा तीन तीन ता धीना टीट, ता धीना टीट। ये हमें ध्यान रखना है कि ये बोल कैसा बजा है। धा तीन तीन ता धीना टीट, धा तीन तीन ता धीना टीट। ये वेरिएशन भी बहुत शानदार है। यदि आप इसको हमारे संगत में यदि आप इसको लाते हैं यूज़ में, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप कहीं भी जहाँ संगत करेंगे दादरा की, तो एक विचित्र सा अनुभव लेके आएगा। अगला ही बोल इसी कड़ी में आपके सामने बताता हूँ, जो इसका अगला वेरिएशन है, कुछ इससे मिलता जुलता है। मैं आपके सामने बजाऊँगा, फिर आप इसको सीखिएगा। बोल को आप चलत में बजा सकते हैं। यदि आप जहाँ भी दादरे की आप संगत कर रहे हैं, जब हम चलत में लेते हैं थोड़ा सा, जब हमारे गायन में जब थोड़ी लय आती है, तब इस बोल को आप लगा सकते हैं। तो ये बोल का जो उच्चारण है कुछ इस प्रकार से है, धा धीना धीट, धा तीना तीट। सरलतम बोल है, देखिए आप कैसे बजाया जाएगा। धा धीना धीट, हमारा जो धीट बजेगा वो तीट के साथ हमको घे लगाना है, टी के साथ धीट, कुछ इस प्रकार से। तो शुरुआत से देखते हैं, धा धीना धीट, फिर धा तीना तीट, दो जगह थाप लगी है, तीना तीट, मतलब तीना के ती पे लगेगी और तीट में भी ती पे लगेगी। फिर से आप देखिए इसका स्लो मोशन, धा धीना धीट, धा तीना तीट, धा धीना धीट, धा तीना तीट, धा धीना धीट, धा तीना तीट। इस प्रकार से मैंने आपको आज दादरे में पांच प्रकार के वेरिएशंस दिए, अलग अलग प्रकार के। ये सब मॉडर्न दादरा के अंतर्गत आते हैं। इन पे आप प्रैक्टिस करिए, रियाज करें, इनको आप संगत में लगाने की कोशिश करें, जिनको संगत आती है। और जिनको नहीं आती है तो कम से कम जो लहरें मेरे द्वारा चढ़े गए हैं उन पे प्रैक्टिस करें। कुछ दादरे के सुगम संगीत, कुछ गीत होते हैं, उनके ऊपर संगत करने की कोशिश करें। जो दादरे की गजलें आती है जो मध्यम लय में चलती है, उस पर इनको संगत करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आपको संगत करना अच्छे से आ जाए। अब कुछ दिनों से ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने एंट्री मेरे पास ली हैं, जो मुझसे डायरेक्ट तबला सीख रहे हैं। अभी भी कुछ जगह यदि आप चाहते हैं, कुछ आना चाहते हैं, यदि कुछ व्यक्ति मुझसे सीखना चाहते हैं डायरेक्टली तबला, तो आ सकते हैं। मेरा जो नंबर, मोबाइल नंबर इस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में नीचे डला हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करके मुझसे तबला सीखने के लिए बोल सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है वो आपको समझा दूंगा। जब ऐसा करते हैं तो आप मेरी
बैच में आपको शामिल होने का लाभ मिलेगा। और यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।